कुमार बिहार में स्वागत। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के अंतर्गत आज 13 बच्चों को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वेल्लोर के लिए रवाना हुए। इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ठीक किया जाना है। बता दें कि वेल्लोर में आज बच्चों का जो है वो इलाज होना है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के अंतर्गत आज 13 बच्चों को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वेल्लोर के लिए रवाना हुए और इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ठीक किया जाना है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है। थैलेसीमिया पीड़ित 13 बच्चों को लेकर के एक टीम जा रही है। हमारे साथ देखिए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, ये बेंगलोर जा रहे हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में इनका विरोध ट्रांसप्लांट किया जाएगा और हमारे साथ मंत्री जी हैं, बात करते हैं। आप ये बहुत बड़ी लेकर के बहुत बड़ा पहल करके शुरुआत करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा दिन है। जब देश में बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जिसने इस तरह की पहल की है और जो हमारे थैलेसीमिया के मरीज बच्चे हैं बिहार में उनका मुफ्त में राज्य की सरकार ने इलाज कराने का निर्णय किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए पूरी राशि की स्वीकृति कैबिनेट में दी है और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं भी आज बहुत भावुक हूं कि ऐसे बच्चों को लेके जा रहा हूं जिनको एक नया जीवन वहां मिलेगा। आपके आप पीढ़ी हैं और आपने एक अच्छा पहल भी किया है, ये पहल कितना रंग लाएगा और कितने बच्चों का टारगेट करना है? नहीं, अभी राज्य में कुल 3000 बच्चे हैं। इसमें डोनर मैच कराने की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया भी हम लोगों ने करीब 400-500 बच्चों का कर लिया है और जैसे जैसे जांच का रिजल्ट आएगा हम लोग चरणबद्ध तरीके से सभी बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे। इसमें ये 3000 बच्चों को ये टारगेट किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और ये पहल कितना रंग लाता है और कितने बच्चों के भविष्य को बनाता है। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज़, पटना।